गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आप सबके बीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो है बॉडमास रूल्स का। ठीक है, ये बॉडमास रूल्स हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा, चाहे आज आप यूज करें और चाहे 10 साल बाद भी यूज करेंगे तो आपको बॉडमास रूल वही रूल होगा। ठीक है, और हमेशा काम आएगा, चाहे आप ये ग्रेजुएशन हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कहीं भी हो, आपको ये रूल्स हमेशा काम आएंगे। जो रूल्स मैं आज बताऊंगा आपको, जैसे करना है इनका, ठीक है, वैसे ही आपका यूज होगा। कि क्लास वाइज आपका रूल्स चेंज होते हैं, रूल्स कभी चेंज नहीं होते, ये आप हमेशा माइंड मेकअप कर लीजिए। ओके, तो आज का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बॉडमास रूल्स, ठीक है, इसे जानते हैं। ओके, और ये रूल्स को जानने से पहले एक बात आप ये याद रख लीजिए कि ये रूल्स, ठीक है, आप अगर अभी वीडियो के दौरान ही समझ गए और अपने माइंड मेकअप कर लिया तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बॉडमास रूल्स, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा कि आपने वीडियो देख लिया, थोड़ा समझ लिया, बस आ गया। अभी आपको लगेगा कि हाँ, समझ में बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन जब तक आप पेन कॉपी नहीं उठा के एक बार राइट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको 100% नहीं आएगा। और आप ये मत सोच के वीडियो देखिए या समझने की कोशिश करिए कि हमें क्लास में टॉप आना है, गलत है। हमें टॉप आने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें किसी को सिखाना है, ये सोच के पढ़ोगे तो आप 100% गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको किसी को सिखाना है तो आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और तब आप 100% नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, टॉप करने के लिए 100% की जरूरत नहीं होती है, 91, 92, 99% टॉप के लिए बहुत है, लेकिन 100% के लिए टॉप करने की नीड नहीं होती। 100% गेन करने के लिए हमें ये सीखना है, हमें किसी और को सिखाना है। ठीक, चलिए आज से आप लोग पढ़ लीजिए कि आज से हमें पढ़ाई करनी है, खुद के लिए नहीं, दूसरे को सिखाने के लिए, तो आप 100% गेन करेंगे। ओके, चलिए अब हम आप सबके बीच बॉडमास रूल डिस्कस करते हैं। कौन सा रूल? बॉडमास रूल। ये बॉडमास रूल होता क्या है, ठीक, ये सब हम आपको बताते हैं। बॉडमास रूल वो है जो आपके एक मतलब क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें ब्रैकेट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन, सबट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में को सॉल्व करने के एक क्रमबद्ध, यानी एक क्रम से क्वेश्चन में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें या मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करें कि डिवीजन को कि सबट्रैक्शन कि एडिशन को, तो उनको एक क्रम में सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स बनाए गए हैं, इन रूल्स पे ध्यान देते हैं। ओके, बॉडमास रूल्स, बॉडमास, BODMAS, बॉडमास। ओके, ठीक बेटा लोग, चलिए बॉडमास रूल देखते हैं। बी से क्या होता है बेटा? बी से होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है? बी से ब्रैकेट से होता है, ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एस क्यू लगा है, क्योंकि ब्रैकेट हमारे 4 टाइप्स के हैं। पहला ब्रैकेट है हमारा बार ब्रैकेट, सेकेंड है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड है हमारा मिडिल ब्रैकेट, और फोर्थ है हमारा बिग ब्रैकेट। ओके, अब इनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, पहले हम आपको बॉडमास रूल डिस्कस कर देते हैं। ओके, ब्रैकेट, ठीक है, सर्वप्रथम हम इक्वेशन में या क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाएगा, अगर ब्रैकेट है सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? रिमूव ब्रैकेट फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, फिर सेकेंड प्रोसेस क्या करेंगे? सेकेंड प्रोसेस ऑफ। ऑफ का मतलब आपको क्वेश्चन में ऑफ भी दिया जा सकता है, ठीक है, आप ऐसा ना समझिएगा ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बेटा, आपको ऐसा भी दिया जा सकता है ऑफ और फिर इनटू फिर अदर नंबर, लेकिन वहां पे ये नहीं होगा कि आप ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई जानते हैं तो आप पहले दोनों को साथ में कर दे या पहले उस जो अदर मल्टीप्लाई किया गया उसको सॉल्व करें, गलत हो जाएगा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ वाले को सॉल्व करें, ऑफ को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और पहले हम ऑफ को मतलब सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो दिए गए मल्टीप्लाई है या डिवीजन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके, लेकिन पहले सॉल्व ऑफ को करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑफ को सेकेंड नंबर पे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हमें डिवाइड दिया गया है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे, फिर हमें दिया गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे हम फोर्थ नंबर में,
का सॉल्व करेंगे हम फोर्थ नंबर। ओके मल्टीप्लाई को हम फोर्थ नंबर पे सॉल्व करेंगे, एडिशन को हम फिफ्थ नंबर पे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन को सिक्स नंबर पे। इतना आप लोग को समझ में आया। फर्स्ट में हम ब्रैकेट, सेकंड में हम ऑफ को, थर्ड में डिवीजन, फोर्थ में हम मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ में एडिशन, सिक्स नंबर पे हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। इतना आप सभी को आ गया अच्छे से, वेरी गुड। ओके इतना आप लोग को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब एक चीज ये याद रखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन में ये छह चीजें दी जाए, ओके हो सकता है चार दे दे, दो दे दे, तीन दे दे, तो आपको वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि क्या क्या दिया गया है और किस क्रम में दिया। अगर पहले ब्रैकेट दिया गया तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ऑफ और डिवीजन नहीं दिया गया, मल्टीप्लाई दिया गया तो बेटा हम मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहां वेट नहीं करते रहेंगे कि ऑफ आए डिवीजन आए। ओके इतना आप सभी को समझ में आ गया, इसका क्रम समझ में आ गया होगा कि किसको किस टाइम यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट हमने आपको बता दिया फोर टाइप्स के होते हैं। पहला बार ब्रैकेट होता है, बार का मतलब कोई भी नंबर होगा, ठीक है, जैसे फोर फाइव दिया गया, ठीक है, माइनस में फोर माइनस फाइव और ऊपर लगा दिया, ये डंडी खींच दी, तो ये क्या है, ये बार है, इसे बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। ओके इतना आप सभी को समझ में आ गया। और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये आपका मिडिल ब्रैकेट है, और ये आपका बिग ब्रैकेट है, ठीक है। इनको और भी नाम से जानते हैं, ठीक है, बार ब्रैकेट को हम बोल सकते हैं विनकुलम, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट को हम राउंड ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट को हम, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ओके ठीक बेटा, ये हमारा जो लास्ट में दिया गया बिग ब्रैकेट, ये हमारा बिग ब्रैकेट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बेटा, इसमें सीरियल वाइज सॉल्व करते हैं। अगर हमें बार ब्रैकेट दिया गया है क्वेश्चन में तो फर्स्ट हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट, और लास्ट में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इनका क्रम यही है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले हमें जो ब्रैकेट, ठीक है, फिर बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और फिर मिडिल ब्रैकेट, और फिर लास्ट में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस क्रम में हम हमेशा सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, बार ब्रैकेट, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और फिर लास्ट में बिग ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट के बाद ही बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे सपोज कीजिए यहाँ पे बार ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट ना दिया जाए, स्मॉल और बिग हो, तो पहले हम स्मॉल को सॉल्व करेंगे, फिर बिग को सॉल्व करेंगे। ओके समझ में आ रहा है, तो क्रम इनका याद रखिए आप, फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, ये इसके क्रम से सॉल्व करने के। ओके अब हम आप सबके बीच कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि एक या दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके समझ में आ रहा है सभी लोग को, दोनों एग्जाम्पल्स में भिन्नताएं होंगी, यानी कि थोड़ा डिफरेंट होंगे, ठीक है। ओके ये दोनों वीडियो, मतलब सॉरी दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए। ओके देखिए बेटा, अब ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में बोला गया है 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, ठीक है, बाद 4 इंटू 5, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, ब्रैकेट भी दिया गया, कौन सा ब्रैकेट दिया गया सबसे, ठीक है, कौन सा ब्रैकेट दिया गया, बार ब्रैकेट दिया गया है। तो बॉर्मर्स रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करते, ब्रैकेट कौन सा, बार ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करें, तो हम पहले बाकी जो दिया गया है उसको वैसा ही नोट करते चलेंगे, जैसे जिसका काम होता चलेगा हम उसको सॉल्व करेंगे, बाकी को सेम साइन के साथ नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 है, लिख लीजिए डिवाइडेड बाय 4 प्लस सॉल्व इसको करना है ब्रैकेट को, यानी बार ब्रैकेट को, तो इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 20 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया, ब्रैकेट का काम खत्म, अब क्या, ऑफ, ऑफ तो है नहीं, डी यानी कि डिवाइड, देखा डिवाइड है, तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4 को सर्वप्रथम हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिया गया आपको 16 डिवाइडेड बाई 4, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 अपॉन 4 प्लस 30, 4 से हमने 16 को कैंसिल किया, कितना आ गया 4 आ गया, 4 प्लस 20,
अब देखिए दोनों के बीच में क्या संबंध है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। और देखिए यहाँ पे आपको ठीक है मल्टीप्लाई भी नहीं दिया गया, क्या दिया गया ऐड दिया गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लिया, 24 आ गया। दिस इज योर आंसर। इतना आप सभी को समझ में आया, वेरी गुड। ओके, अब इसके बाद वाला जो एग्जांपल दिया गया, अब जो एग्जांपल दूंगा मैं सेकंड एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, उसे आप लोग ध्यान से देखिए और उसमें आपको ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब मिलेगा, सब मिलेगा। इसलिए वो वाला एग्जांपल आप जरूर देखिए। देखिए बेटा लोग, ये एग्जांपल जो दिया गया है सेकंड नंबर का एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल ब्रैकेट्स दिए गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये भी दिया गया। और यहाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ दो जगह ऑफ दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, दो जगह आप सभी को ऑफ दिया गया है, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं इसे। ओके ठीक बेटे लोग, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे छोटा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट दिया गया। और यहाँ पे आपको बार ब्रैकेट नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे आपको बार ब्रैकेट नहीं दिया गया तो उससे आप भूल जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी को आप ऐसे ही नोट करते चलिए। 25 ऑफ ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 83 माइनस, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट 7 × 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट। क्या दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट आप सभी को दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, ऑफ को भी ऐसे, ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, तो आप इसे सॉल्व करिए पहले, ठीक है। 9 − 18 दिया गया है, इसको ऐसे ही पूरे को हमने नोट कर लिया, क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब देखें ब्रैकेट तो सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हमें यहाँ ये करना है जो हमें 9 − 18 और ऑफ और 3 दिया गया है, ठीक है। इन दोनों में ब्रैकेट तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो पहले हम ऑफ को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई में। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे 25 ऑफ बिग ब्रैकेट 83 माइनस मिडिल ब्रैकेट 7 × 4 प्लस, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर ले, 3 ऑफ को कन्वर्ट किया, ऑफ हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे 3 × 9 हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व किया जाता है, यानी कि ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। 25 ऑफ ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट 83 माइनस मिडिल ब्रैकेट 7 × 4 प्लस, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कितना आया बेटा 27 माइनस का 18, ओके। फिर मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट को लगा दिया, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब हम करेंगे 25 ऑफ, इन सबको वैसे ही नोट कर लेंगे सेम, ओके, सभी को नोट कर लीजिए। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 27 में 18 को माइनस किया, कितना आया बेटा 9 आया, ओके। तो स्मॉल ब्रैकेट अभी नहीं लगाइए क्योंकि इसकी नीड है आपको, ठीक है। अब यहां देखते 25 ऑफ ब्रैकेट बिग ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट 7 × 4। अब देखें, अब ब्रैकेट से हटना है तो क्या देखते हैं, ब्रैकेट के बाद साइन किसका है, प्लस का है, तो हम प्लस का लाइन लिखेंगे। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस लगा होता तो प्लस अंदर प्लस नाइन होता तो किसका आता, माइनस का नाइन आता, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस आता है, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसलिए, ठीक। यहाँ पे देखिए प्लस है और अंदर प्लस है और दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, और मल्टीप्लाई में प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का 9 लिखेंगे और मिडिल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट इतना लिखेंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 25 ऑफ बिग ब्रैकेट, अब किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट को, तो बिग ब्रैकेट को ऐसे ही आप नोट लेने दीजिए, 83 माइनस।
आप देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करने के पहले हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है 7 × 4 = 28 प्लस का 9 ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ओके तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी को सेम ऐसा ही नोट कर लेंगे 25 ऑफ बिग ब्रैकेट 83। ठीक, अब मिडिल ब्रैकेट में क्या देख, 28 प्लस 9 दिया गया है, 28 प्लस 9 दिया गया, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड किया, 9 एक कितना होता है 17 होता है, कैरी 1 और 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया। ठीक, ये 37 आ गया। ओके अब यहाँ पे वैसा ही नोट कर लीजिए 25 ऑफ बिग ब्रैकेट 83। अब रुक जाइए और ध्यान दीजिए, यहाँ मिडिल ब्रैकेट है और साइन दोनों के माइनस, बाहर कैसा है माइनस है, माइनस और ये प्लस का, और दोनों बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है, तो यहाँ माइनस इंटू प्लस है, तो यहाँ पे साइन हम माइनस का लगाएंगे और 37 और बिग ब्रैकेट को लगा दीजिए। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ देखते हैं 25 ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस हो गया। ठीक है, 83 में हमने 37 को माइनस किया, ये 13 में 7 माइनस हुआ 6 और ये 7 बचा, 7 में 3 गया 4, यानी कि 46 आ गया। किसका आएगा, माइनस का कि प्लस का, प्लस का है, क्यों, क्योंकि प्लस नंबर इज ग्रेटर। ओके तो 46। अब देखिए 25 ऑफ, अब बिग ब्रैकेट से हटा देंगे, ठीक है, तो 46। ओके ब्रैकेट हटा दिया, इतना सभी को आ गया, वेरी गुड। अब देखिए 25 ऑफ को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में 46, अब 25 और 46 का मल्टीपल करते हैं। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए 6 5 12 12 3 15 × 4 5 20 × 4 2 8 2 10 सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आप दोनों को ऐड कर लिया, आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर यह आया 1155। दिस इज योर आंसर। ओके आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, बेटा लोग यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, गलत नोट किया था। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 0 होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1150। दिस इज योर आंसर। आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया होगा, हमने इसमें आपको बॉड मजूल भी बता दिया और बॉड मजूल से क्वेश्चन को कैसे क्रमबद्ध सॉल्व करते हैं ये सब आपके बीच एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आप लोग एक मेरा काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी बॉड मजूल समझ में आ जाए, और आप लोग को समझ में आ गया है तो एक बार, ठीक है, कॉपी में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा 1 टाइम्स कम से कम। ओके धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो।